बिस्मिल्लाह रहमान। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लखनऊ के टुंडे के मशहूर गलावटी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आएगी। दोस्तों, चिकन को जो है ना हमने मैरिनेट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले रख दिया था, मसाले वगैरह लगा दिए। अब इस मैं आपके साथ इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। दोस्तों, इस हमने लिया हुआ चिकन तकरीबन आधा किलो ले लिया है, प्याज 2 अदद, अच्छी तरह उसको क्रश कर लिया, बिल्कुल ब्रीक ग्राइंड कर लिया है, अदरक और लहसुन, लेमू का रस 2 अदद लेमू लिए थे, काली मिर्च 4 से 5 अदद, लाल मिर्च जो कुटी हुई या दड़ा मिर्च, नमक हसबे जायका, खुश्क धनिया इसको भी कूट लिया है, और इसके अलावा गरम मसाला, गरम मसाले के अंदर हमने ज़ीरा लिया है, दालचीनी और लौंग वगैरह, घी घी को इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये नरम हो जाता है। तो ये टुंडे कबाब की रेसिपी है हमारी, जो कि खाने में बहुत लजीज, बहुत ही मज़ेदार। तो अभी हम लोग शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी बनाना ताकि बनाएं और मज़े लेके खाएं। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई करें ज़रूर, बच्चों को बना के खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, उनकी ढेरों दुआएं लें। चलो जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं बनाने अपने नवाबी टुंडे के कबाब। थोड़ा सा हम घी डाल लेते हैं, ग्रेस कर लेते हैं, ग्रेस हो गया। अभी बिस्मिल्लाह करके हम शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े हमने उठानी है बस इतने करें, या इस तरह ही रखते जाना है बस। हमारे टुंडे के कबाब बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं माशाल्लाह, ट्राई करें सभी दोस्त और उसके बाद बताएं। आप पराठे के साथ, नान के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाएं तो मज़ा आ जाएगा। बस हमने बिल्कुल सारे जो है ना टुंडे कबाब लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब डाल दिए हैं। अभी करते हैं हम किसके आँच पे इनको फ्राई, और फिर डिश आउट करते हैं और फिर आपको खा के दिखाएंगे कैसे बनते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आप बहुत इजी है रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं खाने में, लाजवाब बना के रखते हैं आप, सुबह नाश्ते में बच्चों को बना के दे दें, बच्चों के स्नीकर्स वगैरह वो भी ठीक है, उनकी जगह आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपके घर में बनाना चाहते हैं सीख कबाब, अगर नहीं बन रहे तो इसका बनाएं, और एंड के ऊपर जो है ना थोड़ा सा घी और प्याज वगैरह डाल के उनको खुशबू दे दें इसकी कोयले के, तो आपके पास सीख कबाब भी वही रेडी हो जाएंगे। ये हमारे टुंडे कबाब है सारे ओके। अभी हम इसको फ्राई करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। चिकन है, चिकन का तो वही जो हिसाब, जैसे अंडा जल्दी जल्दी ज़्यादा हो जाएगा वही हिसाब है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर हार्ड हो जाएगा, अगर नरम रखेंगे तो फिर जूसी जूसी रहेगा और उसके खाने का अपना मज़ा होगा। मुझे तो ये डिश बहुत पसंद है, मैं तो बड़ा लाइक करता हूँ, बड़े शौक से बनवा के खाता हूँ या खुद बनाता हूँ, खासकर छुट्टी वाले और बच्चों को खिलाता हूँ। आपसे
ट्राई करें, आपके साथ शेयर करने के लिए मतलब कि आप अपने बच्चों को बना लेना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे जो ना कुंडे के ग्रेसी कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी हम ला लेते हैं चपाती और करते हैं इनको डिश आउट। तो ज़्यादा अगर बनाएंगे तो हार्ड हो जाएगा, वो जो एक उनके टेस्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल नरम। अभी कर लेते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। हमने साथ केचप ले लिया है, साथ में चटनी है। अभी हमारी रोटी हमारी तैयार हो रही है, तो उसके बाद बच्चों के साथ मिलकर खाएंगे। तो मेरी अपने सब यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त वीडियो देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।